रियल जो हैंगिंग यार्ड रहते हैं वो हमेशा जहाँ पर डेथ रो पीपल्स को रखते हैं सोलिटरी कन्वेंट, उसको बाजू में रहता है। और जब वो गेट्स खुलता है तो वहाँ फिर क्लीन वगैरह होता है, फिर वो तख्ता गिरा के चेक करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। जेल में एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे अलार्म, कि जब वो सायरन बजता है तो वहां पर लाठी चार्ज होता है। आपस में चाय और स्नैक्स के ऊपर डिबेट करते हैं, डेथ पेनल्टी हमारे लिए वो इश्यू है, हमारे लिए वो एक्सपीरियंस नहीं है, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो सफरिंग क्या है। ना विक्टिम को हम टाइमली जस्टिस दे पा रहे हैं या ना अक्यूज्ड को हम टाइमली जस्टिस दे पा रहे हैं, सभी इस सिस्टम में सफर कर रहे हैं। मैं शहर में है तो शहर में मैं अननोन जिंदगी जीता हूँ, मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मेरा नाम नारायण है या मेरा पास्ट क्या है। तो अभी मैं शहर में भी अगर कहीं रहता हूँ तो नो, मैं ये जिक्र ही नहीं करता हूँ। और कोई अगर कोई जान भी गया तो मैं बोलता हाँ भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर पहली बात तो सामने वाला ही थोड़ा लंबा हो जाता है, तो नहीं वो नहीं होता तो मैं खुद ही अपना फासला बना लेता हूँ कि ताकि ये कबल नेगेटिव कोई थॉट्स फैलाए ना। 1994 में महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस सामने आया, राठी मर्डर केस। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की। नारायण चौधरी उन्हीं 3 लोगों में से एक है। 25 साल डेथ रो पर रहने के बाद नारायण चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया है। वो रात को नींद ही नहीं आई थी। वो रात को किसी मतलब जब बता दिया फिर मैं बोला यार अब सही में क्या है क्या नहीं है, कल वेरीफाई करेंगे। फिर एक साइड से कैसे अपने जो थॉट्स आते हैं कि हाँ यार रिलीज हो गया बहुत बढ़िया है, और दूसरी साइड से बोलते यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो उसमें भी गुजर गया। तो उस दिन तो नींद ही नहीं आई क्योंकि वैसे नॉर्मली एक आधे घंटा सो जाते हैं, उस दिन तो अपना मतलब विचारों में ही चले गए। साल 2018 में वर्ल्ड में डेथ पेनल्टीज देने के मामले में टॉप 7 कंट्रीज में इंडिया का नाम शामिल था। उस साल देश में कुल 162 डेथ पेनल्टीज दी गई। साल 2016 से 2018 के बीच में देश में लोअर कोर्ट्स द्वारा कुल 420 डेथ पेनल्टीज दी गई। रियल जो हैंगिंग यार्ड रहते हैं वो हमेशा जहां पर डेथ रो पीपल्स को रखते हैं सोलिटरी कन्वेंट, उसको बाजू में रहता है। और जब वो गेट्स खुलता है तो वहाँ फिर क्लीन वगैरह होता है, फिर वो तख्ता गिरा के चेक करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। तो जब प्रैक्टिस होती है आवाज़ आती है तो अपने को कन्फर्म होता है, फिर पता चलता है कि भी फिर डिस्कस हो जाती है, फिर पूछते हैं एक दूसरे को कौन जा रहा है किसका नंबर है। देश में ट्रायल कोर्ट्स द्वारा दी जा रही डेथ पेनल्टीज में तकरीबन 40% डेथ पेनल्टीज को सुप्रीम कोर्ट एक्विट कर देती है, तो वहीं 50% से ज़्यादा डेथ पेनल्टीज को कम्यूट कर दिया जाता है। साल 2022 के अंदर हायर कोर्ट्स द्वारा 68 डेथ सेंटेंसेस सुनाए गए, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 डेथ सेंटेंसेस को कंफर्म किया। हम ये नहीं सोचते कि वो जितने साल डेथ रो पे बिताते हैं उसमें क्या सफरिंग है, और वो जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचते पढ़ते उसके बारे में नहीं जानते हैं, वी रियली कांट अंडरस्टैंड कि डेथ पेनल्टी का एक्चुअल सफरिंग क्या है। बढ़ती डेथ पेनल्टीज और ओवरटर्निंग केसेस के बीच के लूप होल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पिछले कुछ सालों में डेथ पेनल्टीज इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट से क्यों बढ़ रही हैं। ट्रायल कोर्ट अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से अवेलेबल लॉ एंड प्रेसिडेंस के बेसिस पर एक पर्टिकुलर केस में जजमेंट दे देता है, जो कि शायद हायर कोर्ट में जाकर ये रियलाइज किया जाता है कि ऑन दिस ग्राउंड दिस जजमेंट दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट केस, सो दैट पर्टिकुलर केस इज नॉट एप्लीकेबल एंड हेयर वी अनाउंस द न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द केसेस दैट ऑल्सो बी
बाइंडिंग टू द ट्रायल कोर्ट फॉर द फर्दर केसेस. सो ये तरीका है जुडिशियल सिस्टम वर्क करने का. तो कहीं ना कहीं इसमें समझने के लिए अपनी विद इन लिमिटेशन में वर्क करने की वजह से ऐसा होता होगा कि ट्रायल कोर्ट ज़्यादा पनिशमेंट दे रहा है और वो वहाँ जाकर ओवरटर्न हो रही है. अभी लगभग 550 से ज़्यादा लोग डेथ सेंटेंस पे हैं इंडिया में, और ये नंबर्स जो ट्रेंड बदलता दिख रहा है, जिन ऑफेंसेस में सेक्सुअल वायलेंस है, मर्डर के साथ सेक्सुअल वायलेंसेस है, सेक्सुअल वायलेंस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेथ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं. और वो जिन ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी दी जा रही है उसका प्रोफाइल बदल रहा है. और जो पहले व्हेन इट वाज लार्जली गिवन फॉर ओनली वेयर मर्डर्स वर इन्वॉल्व्ड, नाउ यू आर सीइंग दैट इट इज़ मर्डर विथ सेक्सुअल वायलेंस दैट इज़ बिकमिंग द लार्जर नंबर. सोच रहे हो कि हम हार गए, गरीब हो क्या हम, गरीब के गरीब इसीलिए, अगर हम अमीर होते तो क्या, तो उनको अमीरी थे जब जिन्होंने दरिंदों को छुड़ाया तो उन्होंने भर दिया होगा उनका मुंह, उनको छोड़ दिया. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 2012 के छावला गैंगरेप एंड मर्डर केस में एक्यूज्ड तीन आरोपियों को बाइज्जत बरी किया. तीनों आरोपियों के ऊपर 19 वर्षीय एक महिला का गैंगरेप और मर्डर का चार्ज था. रेप विक्टिम की लॉयर चारू खन्ना से हमने बात की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की निंदा की. लड़की जो मृत लड़की थी उसके शरीर पे उसके वजाइना में मिक्स डीएनए सैंपल्स मिले जो दो अक्यूज को मैच किए. मेरा एक सवाल है, सैंपल टेम्पर हो, खून कम हो, बढ़े, डीएनए खराब हो जाए, लेकिन क्या आप किसी का मैच कर सकते हो डीएनए? वो तो टेम्परिंग से नहीं हो सकता ना. बट उनने हर चीज़ को शक के दायरे में डाल दिया, कोई निर्णय नहीं दिया, हर चीज़ को शक के दायरे में डाल दिया और उस शक के वजह से उनने उसको अक्विट कर दिया. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेने की प्रक्रिया में कितने लूप होल्स हैं और वो किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं. अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अगर मैं कोर्ट करूँ उसमें क्या कहा है, मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अनफॉर्चुनेटली द जजेस कंसर्न हैड नो कंसर्न अंटिल वन ऑफ देम रीच द डेट ऑफ द सुपर एनुएशन. यानी कि निर्णय में उसका कोई दिलचस्पी नहीं थी जब तक उसकी रिटायरमेंट की तारीख नहीं आई. देन दे रिमाइंडेड देमसेल्व्स ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ डिलीवरिंग द जजमेंट. इट वॉज दस द इम्प्यून जजमेंट हैड कम आउट एट लास्ट फ्रॉम टॉपिटी. और मैं हमारे केस में ये बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि ये मामला 6 महीने तक रिजर्व थी जजमेंट, 6 महीने से ज़्यादा, और आखिरी दिन था जज का मंडे को. हमें लगा कि क्या हो रहा है, जजमेंट नहीं आई, भूल गए क्या हुआ. और आपको अगर पता है सुप्रीम कोर्ट में एडवांस लिस्ट आती है, लिस्टिंग आती है, मंडे की लिस्ट पे नहीं लगा था. मैंने खुद फ्राइडे को ये मेंशन किया कि ये आपका मंडे आपका लास्ट डे है, ये जजमेंट अभी तक आया नहीं है. बढ़ती डेथ पेनल्टीज और ओवरटर्निंग केसेस को देखते हुए इंडियन जुडिशियल सिस्टम के कलेक्टिव लूप होल को समझना जरूरी है. ये ऐसा खराब एविडेंस क्यों आता है हमारे ट्रायल्स, क्योंकि उनके ऊपर इतना लोड है, उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे, पर्सनल नहीं है, पुलिस के सारे प्रॉब्लम्स सभी को पता है एज ए इंस्टीट्यूशन. एंड देयरफॉर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल्स इज सो पुअर. क्रिमिनल ट्रायल में स्टैंडर्ड क्या है? प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, करेक्ट? प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल, वो प्रूफ होना चाहिए, दैट्स द लीगल स्टैंडर्ड. And very often the proof does not meet that standard. इसीलिए आपको acquit किया जा रहा है. और लेकिन ऐसे cases जो हम बात कह रहे हैं, it may not be national headlines. हर ऐसा case Indian Express या Mojo Story में नहीं आता होगा. लेकिन locally इतना pressure है कि judge सोच रहे होंगे, ठीक है मैं तो अगर बस थोड़ा सा ही evidence है, ठीक है मैं convict कर दूंगा, ऊपर जाके देख लेंगे. ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जिन डेथ पेनल्टीज को ओवरटर्न करता है वो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से लेता है या नहीं? उन
उनका बिहेवियर इतना ख़राब था कि वो जेल में भी ड्रग्स, बदतमीजी, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, और एक जो जैसे ही निकला उसने एक और बंदे को मर्डर कर दिया। Once you acquit them, you need to ensure that they have the sufficient means and support to join back into society. We as a system and we as a society have to accept our responsibility. क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए सभी जरूरी कदम ले रहा है या नहीं? ना विक्टिम को हम टाइमली जस्टिस दे पा रहे या ना अक्यूज्ड को हम टाइमली जस्टिस दे पा रहे, सभी इस सिस्टम में सफर कर रहे हैं।